जनपद के मजोला थाना क्षेत्र में बनी ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी में चार अज्ञात बदमाश लेखपाल के घर हत्या के इरादे से घुस गए। घर में घुसे के बाद बदमाशों ने परिवार वालों पर हथियारों के बल पर बंधक बना लिया, जिसकी भनक पड़ोसियों को लग गई, जिसके बाद बदमाश जान बचाकर बाइकों से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें हड़कंप मच गया। इस दौरान पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश गलती से उसके घर में घुस गए, वो किसी और के घर में हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने आए थे। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना के बाद डायल 112 और स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना के सीसीटीवी से आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बदमाश भाइकों से भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। उससे गेट बंद नहीं हुआ, चारों को चारों लड़का में कहो कौन कहाँ से आए हो, कौन है, क्या बात है, क्या काम है, बताओ तो सही। बोले हट जा, सामने से हट जा, मार दो गोली। मैं कहा नहीं, बता तो दो कौन हूँ, कौन नहीं हूँ, क्या काम है तुम्हारा। चारों को चारों लड़का, बोले मार दूंगा गोली। अब मैं डर गई, मैं पीछे पीछे मेरे आ गया, घर में आके खड़े हो गए। ये वाला गेट बंद कर, मुझे देख के वापिस हुए, ये वाला गेट बंद कर रही। मैं क्या बंद कर, बोले बंद करेंगे क्या, गेट बंद करेंगे, मारूंगा ये गोली। आज समझिए ये बच्चा मेरा लेटा, ये उठा, बोले क्या बात है, बोले बात बताओ बात क्या है। मैं पूछे जा रही, बोले बेटे बात तो बता दो, बात क्या है, कौन हो, कौन लोग। ऐसे मुझे बोले बोले मत, मार दूंगा गोली। इतने फिर बबलू ये उठा, बोले भाई साहब बात बताइए, बात क्या है। बोले अरे अरे हम धोखे से आ गए। फिर ये बबलू मेरी सूरत देख के, वो कंधे पे हाथ रख के बबलू पहुंचाने वहां तक गया, बड़े प्यार से। ये देखिए क्या कपड़ा लपेटे थे मुंह पे, कैसा खुला था उनके कपड़े, हाथों में क्या था उनके, हाथों में रिवाल्वर था उनके। वो तो मुझे सीधा दिखा रहे थे कि इससे मार दूंगा गोली, की मार खोल गेट पे थी। अभी की बात है क्या, हाँ अभी आधा पौन घंटा करीब 8 बजे के टाइम, एक मिनट मैं नमाज के लिए मैं ऐसे खड़े इधर, एक मिनट इधर देखिए अम्मा जी। एमडीए कॉलोनी, कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? थाना मझोला। क्या हुआ यहाँ पर, क्या मामला था? मैं अपने घर में बैठा हुआ था अभी एक घंटा, पर लोग अज्ञात लोग, मैं तो जानता भी नहीं कौन थे वो जी। भाई पिस्टल के रिवॉल्वर लिए हुए चारों आए जी, घर में घुस गए, जान से मार रहे। सर आप इधर ही देखिए, वो मैं निकाल लूँ मामा का शॉट, आप इधर ही देखिए। जान से मारने की धमकी देने लगे जी, घर में बच्चे वगैरह भी थे वो भी चिपट गए, बोले मारो मारो मारो। इतने में ये कह के भागे, जब मेरी सूरत उन्होंने देखी मैं कमरे में से बाहर आया निकल के बरामदे में जी, बोले गलत घर में घुस गए हम, ये कहते हुए वो फायर करते हुए भाग के चले। क्या इरादा लग रहा था उनको? वो मारने के इरादे से आए थे, मारने के इरादे से आए थे। आप किसको मारने आए थे ये पता नहीं भाई, क्या किसी को पहचाना आपने? हाँ पहचान तो लिया मैंने उन्हें। क्या वो पकड़ने की कोशिश की थी क्या? नहीं रिवाल्वर हाथ में थे, कहाँ तो भागेंगे, फायर करते हुए भागे। ये फायरिंग की, हाँ फायर करी उन्होंने फायर। पुलिस कितनी देर बाद आ गई मौके पर? पुलिस को मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा तो करीब 20-25 मिनट के बाद ये लोग आए। तो पुलिस ने कोई खुआ होगा कोई चीज़ बरामद करी है? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, वो कैमरे में देखने जा रहे हैं। अच्छा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं यहाँ पे? हाँ यहाँ आगे फुरकान भाई के घर में लगा हुआ, वहाँ देखने जा रहे हैं। तो आप तो एकदम आ गाऊंगा आपकी आवाज़ सुनकर। हाँ बिल्कुल सर, भीड़ पकड़ भी लिया था इन लोगों ने, एक पीछा करते हुए भागे। ये बता रहे हैं भाई साहब कि इनके यहाँ 4-5 आदमी आए थे डाटा लगा हुआ जी, और उसमें से किसी ने, एक इनके पड़ोसी हैं उन्होंने एक को पहचान भी लिया है और वो इनको धमकी देते हुए भाग गए। तो फायरिंग वगैरह भी की है उन्होंने, बता रहे हैं क्या? अभी बता रहे हैं फायरिंग, फायरिंग भाई आगे आगे करा के फायरिंग। तो कोई खोखा होगा बरामद दिया? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। थाने की पुलिस आई अभी यानी मझोले की? आगे दरोगा जी आगे। कहाँ है आपका नाम? सर आपका? मेरा पूरनचंद जोशी है और मैं 238 PRB का हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।